हाय बच्चों, मैं सीमा सलजानन आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साइंस बेसिक्स जूलॉजी पर वेलकम करती हूँ। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, तो आज हम इस वीडियो में पॉरीफेरा स्केलेटन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पॉरीफेरा के सेल टाइप्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे तो ये फाइलम पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, बट बहुत से कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में और यूपीएससी जूलॉजी के सिलेबस में भी जो IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जो जूलॉजी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके सिलेबस में भी पॉरीफेरा स्केलेटन है। और क्वेश्चन भी कितने मार्क्स में आए हैं वो भी मैं आपको बताते चलूँगी। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में किस तरह से आंसर को हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा स्केलेटन। पॉरीफेरा मेनली स्पॉन्जेस को बोला जाता है, ठीक है। तो पॉरीफेरा स्केलेटन और स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ पॉरीफेरा और स्पॉन्जेस कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ टू कंपोनेंट्स। मेनली दो तरह के कंपोनेंट का बना होता है, क्या क्या? एक स्पिक्यूल्स और दूसरा स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो स्पिक्यूल्स क्या होता है, ये एक इनऑर्गेनिक मटेरियल माना जाता है और स्पॉन्जिन फाइबर्स को ऑर्गेनिक मटेरियल माना जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिक्यूल्स इज फैसिलिटेटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड स्क्लेरोब्लास्ट्स व्हिच सेक्रेट, ये जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल है वो सेक्रेट करता है मटेरियल्स दैट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर। वो जो मटेरियल सेक्रेट करता है उसी से ये इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, इसका स्पिक्यूल्स का। वहीं स्पॉन्जिन फाइबर्स क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इट इज़ केमिकली सिमिलर टू कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन का नाम आपने सुना होगा, जस्ट लाइक कोलेजन प्रोटीन होता है। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ स्क्लेरो प्रोटीन्स रिच इन सल्फर। और ये क्या चीज़ का बना होता है, तो स्क्लेरो प्रोटीन्स का बना होता है जो जिसमें सल्फर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे स्पिक्यूल्स आपका स्क्लेरोब्लास्ट सेक्रेट करता है उसी तरह आपको स्पॉन्जिन फाइबर्स कौन सेक्रेट करता है, सेक्रेटेड बाय स्पॉन्जियोब्लास्ट। दोनों अलग अलग सेल से सेक्रेट होते हैं विच फॉर्म अ मेश वर्क दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द स्पॉन्ज बॉडी, जो कि एक मेश वर्क, जैसे आपने मकड़ी का जाला देखा होगा ना उस तरह से मेश वर्क प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी स्पॉन्ज के बॉडी को, ठीक है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ किसके बारे में, पॉरीफेरा स्केलेटन के बारे में, क्या क्या चीज़ का बना होता है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का। स्पिक्यूल्स इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। स्पिक्यूल्स किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है, तो स्क्लेरोब्लास्ट सेक्रेट करते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर्स स्पॉन्जियोब्लास्ट सेक्रेट करता है, ठीक है। और ये जो स्पॉन्जिन फाइबर्स है वो जस्ट लाइक कोलेजन प्रोटीन के तरह का होता है, ठीक है। बच्चों, कुछ बच्चों को मेमोराइजिंग फैक्ट्स याद करने में थोड़ी परेशानी होती है, जिनको लैंग्वेज याद रखने में परेशानी होती है, तो और हर एक बच्चा एक तरह का इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकता। अगर आपको लॉन्ग आंसर टाइप में फुल लेंथ क्वेश्चन आ जाए पॉरीफेरा स्केलेटन के बारे में, अपने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के हिसाब से कहीं 15 नंबर में आता है, कहीं 20 में, जैसा भी क्वेश्चन आए, तो हर एक बच्चे का इंट्रोडक्शन थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो एक और इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, पॉरीफेरा स्केलेटन। पॉरीफेरा और स्पॉन्जेस पोजेस अ यूनिक स्केलेटन प्राइमरली कंपोज ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ कि आप किस तरह से अपने आंसर को कम से कम लैंग्वेज में, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप स्मार्ट वे में अपने आंसर को एक्सप्लेन करिए, तो कितने कम से कम लैंग्वेज में आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मैं साथ ही साथ आपको लिखने का तरीका भी बताती हूँ, ठीक है। स्पिक्यूल्स जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और स्पॉन्जिन फाइबर प्रोटीनेसियस मटेरियल का बना होता है जो कि फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से कंपोज होता है और स्पॉन्जिन फाइबर्स मेनली किस में देखा गया है, डेस्मो स्पॉन्जी में। द कंपोजिशन ऑफ दीज एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट्स टू द स्पॉन्जेस ओवरऑल फॉर्म एंड रिजिडिटी। तो मेन फंक्शन क्या हो गया स्केलेटन का, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन उसको रिजिडिटी ही तो प्रोवाइड करता है ना। ये एक और छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, पॉरीफेरा स्केलेटन के बारे में। अब देखिए, ये जो UPSC जूलॉजी मेंस का जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का, हर एक मैंने 10 साल का पिछले 10 ईयर्स पेपर्स को जब एनालाइज किया तो मैंने देखा हर एक अल्टरनेट ईयर में आपको पॉरीफेरा फाइलम से स्पिक्यूल्स के बारे में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया है और पॉरीफेरा स्केलेटन से फुल लेंथ क्वेश्चन आया है, तो कभी 15 नंबर में और शॉर्ट आंसर टाइप अगर IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में तो 8 नंबर में और अगर CSE सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में है तो 10 नंबर में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, कितना लिखना है, वो मैं साथ ही में आपको बताते चलूँगी। और आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर आता है फुल लेंथ क्वेश्चन पॉरीफेरा स्केलेटन, तो जैसा मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगी लास्ट तक एंड तक विद डायग्राम आप एक्सप्लेन करिएगा। और अगर शॉर्ट आंसर टाइप आता है तो 90% चांसेस हैं कि स्पिक्यूल्स के बारे में आएंगे, स्पॉन्जिन फाइबर के बारे में नहीं आता,
ठीक है, तो आइए स्पिक्यूल्स का थोड़ा डिटेल हम अच्छे से देखते हैं। स्पिक्यूल्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ स्पॉन्जेस होता है, समटाइम्स कॉल्ड ब्रिक्स ऑफ स्पॉन्ज स्ट्रक्चर। ब्रिक मीन्स ईंट के जैसे, ईटा जैसा आपने देखा है ना, तो समटाइम्स इसे ब्रिक भी बोला जाता है, स्पॉन्ज के स्ट्रक्चर के ब्रिक। स्पिक्यूल्स आर मिनरलाइज्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, सेक्रेटेड बाय स्पेशलाइज सेल। किस सेल से सेक्रेट होता है? स्क्लेरोसाइट से, अभी हमने आपको बताया। स्पिक्यूल्स प्रोवाइड रिजिडिटी एंड सपोर्ट। तो अगर केवल स्पिक्यूल्स आता है तो ये स्पिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक उसी तरह स्पॉन्जिन फाइबर क्या होता है? तो स्पॉन्जिन फाइबर ऑर्गेनिक प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है। स्पिक्यूल्स आपका इनऑर्गेनिक प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है जो कि फॉर्म करता है, दैट फॉर्म्स फ्लेक्सिबल फाइबरस नेटवर्क विद इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्पॉन्जियोब्लास्ट, और जबकि स्पिक्यूल्स किससे सेक्रेट होता है? तो स्क्लेरोब्लास्ट से। तो दोनों टर्म अलग है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल अलग होते हैं और स्पॉन्जियोब्लास्ट अलग होता है। याद रखने के लिए स्पॉन्जिन फाइबर स्पॉन्जियोब्लास्ट, स्पंज दोनों में आ रहा है। ठीक है, दिस सेल सेक्रेट स्पॉन्जिन इन अ हेलिकल अरेंजमेंट फॉर्मिंग मेशवर्क दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द स्पॉन्जियस बॉडी। और यही जो है स्पॉन्जियोब्लास्ट स्पॉन्जिन सेक्रेट करता है जो कि एक हेलिकल अरेंजमेंट होता है उसका। कैसा होता है मैं अभी आपको डायग्राम में भी शो करूंगी, जो क्या फॉर्म करता है? मेशवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे जाल देखिए, मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये यही मेशवर्क, कितना उलझा हुआ सब कुछ है, हेजी जैसा आपको दिख रहा होगा, यही आपका स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्केलेटन का इंट्रोडक्शन देखा, फिर स्पिक्यूल्स का, और फिर स्पॉन्जिन फाइबर का। अब मैं स्पिक्यूल्स को थोड़ा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, इट इज़ माइक्रोस्कोपिक नीडल लाइक स्ट्रक्चर, सुई जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल डिपेंडिंग ऑन द स्पॉन्ज क्लासेस। किस क्लासेस का ऑर्गेनिज्म? हर एक क्लास का ऑर्गेनिज्म अलग अलग मटेरियल का बना होता है, जैसे कि कैलकेरियस स्पिक्यूल्स एंड सिलिसियस स्पिक्यूल्स। कैलकेरियस कम्पोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकेरियस नाम से ही क्लियर है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास कैलकेरिया। ठीक है, उसी तरह सिलिसियस स्पिक्यूल, सिलिसियस मेड फ्रॉम सिलिका। बहुत सारी चीज़ें बच्चों नाम में ही छुपा होता है, उस टर्म में ही छुपा होता है। कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिसियस सिलिका। दीज स्पिक्यूल्स आर टिपिकल क्लासेस सच एज हेक्सैक्टिनिलिडा, जो क्लास है किसका? स्पॉन्जेस का, एंड डेस्मो स्पॉन्जिया। तो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स आपको कैलकेरिया में देखा गया है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और सिलिसियस स्पिक्यूल आपको हेक्सैक्टिनिलिडा और डेस्मो स्पॉन्जी में देखा गया है, जो क्या चीज़ का बना होता है? सिलिका का। सिलिसियस सिलिका, कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगेन स्पिक्यूल्स के बारे में, और ये है एक मदर स्लाइड किसका? स्पिक्यूल्स का। इस एक स्लाइड में आपको इंट्रोडक्शन भी है, फॉर्मेशन प्रोसेस भी है, कंपोजिशन भी है, मॉर्फोलॉजी भी है, साइज भी है। तो जब आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं और जब आप सब कुछ करिए, आपने कुछ कॉन्सेप्ट गेन किया, तो माइंड मैप कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जिस टॉपिक की स्टडी आप करते हैं उसको बीच में बिल्कुल सेंटर में लिखिए, और उस टॉपिक के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा, तो एरो डाल के आप अपने अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम के टाइम में, रिवीजन के टाइम में आप एक बार पलटिए, आपको सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो ये है स्पिक्यूल्स का मदर स्लाइड, आइए देखते हैं क्या है इसमें। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड शेप टू द पेरिफेरल्स, सेक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स स्क्लेरोब्लास्ट, और स्पॉन्जिन किससे होता है? स्पॉन्जियोब्लास्ट से। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, स्पिक्यूल्स लोकेटेड विद इन मेजेनकाइम, मेजेनकाइम सेल टाइप्स में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था मेजेनकाइम लेयर के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया स्पिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन। फॉर्मेशन प्रोसेस कैसा होता है? तो इन्वॉल्व्स द डिपोजिशन ऑफ मिनरलाइज्ड सब्सटेंसेस अराउंड ऑर्गेनिक कोर। ये डिपोजिशन होता है मिनरलाइज्ड सब्सटेंसेस का किसके अराउंड? ऑर्गेनिक कोर के अराउंड। ठीक है, कंपोजिशन कैसा होता है? तो कैलकेरियस स्पिक्यूल और सिलिसियस, अभी मैंने आपको बताया, कैलकेरियस मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और किस क्लास से बिलोंग करता है? कैलकेरिया ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग करते हैं वो कैलकेरिया क्लास से। और सिलिसियस कम्पोज ऑफ सिलिका, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? हेक्सैक्टिनिलिडा एंड डेस्मो स्पॉन्जिया। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, फॉर्मेशन प्रोसेस एंड कंपोजिशन। मॉर्फोलॉजी कैसा होता है? तो मॉर्फोलॉजी देखिए, स्पिक्यूल्स कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग मोनोएक्सोन, ट्राइएक्सोन, टेट्राएक्सोन। अभी मैं डायग्राम में आपको शो करूंगी। देखिए मोनोएक्सोन सिंपल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्राइएक्सोन थ्री एक्सिस इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, एग्जाम्पल हेक्सैक्टिनिलिडा स्पॉन्जेस। टेट्राएक्सोन टेट्रा नाम से क्लियर, चार एक्सोन, फोर रेज रेडिएटिंग फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। अब देखिए
ये मैं दिखा रही हूँ आपको डायग्राम, ये है आपका मोनो एक्सॉन, ये देखिए ये है आपका मोनो एक्सॉन, ये है आपका ट्राई एक्सॉन, ये है टेट्रा एक्सॉन और ये है पॉलो एक्सॉन। कितना सिंपल डायग्राम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉर्फोलॉजी। मोनो में क्या है, सिंपल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्राई एक्सॉन में थ्री एक्सिस इंटरसेक्ट करता है किसको, राइट एंगल पर, और टेट्रा एक्सॉन में फोर रेज रेडिएट करता है किससे, सेंट्रल पॉइंट से। और साइज कैसा होता है, तो मेगा स्क्लेरिस और माइक्रो स्क्लेरिस। मेगा नाम से ही क्लियर है बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। तो मेगा में क्या होता है, तो मेगा में क्या होता है, लार्जर स्पिक्यूल्स दैट फॉर्म प्राइमरी सपोर्ट स्ट्रक्चर। लार्जर जो बड़ा वाला स्पिक्यूल्स होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर सपोर्ट कर, प्राइमरी सपोर्ट के लिए माना जाता है। और माइक्रो स्क्लेयर्स स्मॉलर स्पिक्यूल्स दैट प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट, ये एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये हो गया स्पिक्यूल्स का आपका मदर स्लाइड। इंट्रोडक्शन मैंने बता ही दिया, डायग्राम मैंने आपको दिखाई दिया, और मदर स्लाइड मॉर्फोलॉजी, कंपोजिशन कैसा होता है, फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। तो बच्चों आप बताइए, बिल्कुल भी ये टफ है क्या? बिल्कुल भी टफ नहीं है, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। आपको लगता होगा कि मैम इतना टाइम क्यों लगाती हैं, तो इफेक्टिव कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। और अभी तो चूंकि फेस्टिव सीजन चल रहे थे, नवरात्रि थी, फिर दीपावली था, तो फैमिली है हमारी भी, तो टाइम लग जाता है कंटेंट, इफेक्टिव कंटेंट में। मेरी कोशिश रहती है कितना सिंपलेस्ट लैंग्वेज, सिंपलेस्ट डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, और ऊपर से सारा कंटेंट मेरा हैंड रिटन होता है, तो उतना बैठ के फिर लिखना भी पड़ता है। और आप देख ही रहे हैं BSc, MSc, UPSc, CSIR नेट और सेट, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और उनके स्टेट में अगर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है तो उसका भी मैं पढ़ाई करवाऊंगी, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, कॉन्सेप्ट गेन करवाऊंगी इसी चैनल पे। और चूंकि आप अगर MSc के स्टूडेंट हैं और MSc के बाद नेट या PhD करना चाहते हैं, या फिर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो अब CSIR नेट आपके लिए मस्ट हो गया है, जो कि साइंस सब्जेक्ट के लिए होता है। UGC नेट आपका आर्ट सब्जेक्ट के लिए होता है, तो उसका प्रिपरेशन भी मैं इसी चैनल पे करवाऊंगी। तो इतना सारा कुछ मैं साथ लेके चलती हूँ, तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, बट फिर भी इतना कंटेंट होता है कि आप पढ़िए, धीरे धीरे आराम से कॉन्सेप्ट गेन करिए, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए। मेरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट इतना तो मैं पढ़ा ही दूँ कि ताकि आपका एग्जामिनेशन अच्छे से निकल जाए। ये हो गया स्पिक्यूल्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि अगर शॉर्ट आंसर टाइप में पूछता है तो 95% चांस होता है कि स्पिक्यूल्स ही पूछेगा। और UPSC का क्वेश्चन तो मैंने देखा है, तो उसमें तो अल्टरनेट ईयर आए ही हैं, लेकिन फुल लेंथ क्वेश्चन स्केल्टन, पॉरीफेरा स्केल्टन से भी फुल लेंथ क्वेश्चन 15 मार्क्स वाले में आए हैं, तो उसमें आपको स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। वो था स्पिक्यूल्स का मदर स्लाइड, ये है स्पॉन्जिन फाइबर्स का। तो स्पॉन्जिन फाइबर्स में क्या क्या होता है देखिए, स्पॉन्जिन फाइबर में फ्लेक्सिबल फाइबरस स्ट्रक्चर होता है, कंपोज ऑफ कोलेजन लाइक प्रोटीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉल्ड स्पॉन्जिन। दे अपीयर एज अ डेंस नेटवर्क ऑफ फाइबर्स गिविंग स्पॉन्जेस अ कैरेक्टरिस्टिक सॉफ्ट टेक्सचर प्रोवाइड करता है। और स्पॉन्जिन इज अ पार्ट ऑफ कोलेजन प्रोटीन फैमिली विच मेक्स इट इलास्टिक एंड ड्यूरेबल, जो कि इसको इलास्टिक और ड्यूरेबल बनाता है। द स्पॉन्जिन फाइबर्स रेंज इन थिकनेस डेंसिटी समटाइम्स अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड स्पेसिफिक पैटर्न, कभी कभी बिल्कुल फिक्स्ड स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन डेस्मो स्पॉन्जिया, मैंने पहले भी बताया है। सम बाथ स्पॉन्जेस लैक स्पिक्यूल्स, कुछ बाथ स्पॉन्जेस हैं जिनमें स्पिक्यूल्स नहीं पाया जाता है कम्प्लीटली, केवल वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, स्पॉन्जिन फाइबर्स के ऊपर। तो सम बाथ स्पॉन्जेस लैक स्पिक्यूल्स कम्प्लीटली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रोवाइड शेप सपोर्ट एंड ऑफ टू स्पॉन्जेस, एंड ये जो आपका क्या स्पॉन्जिन फाइबर्स है, दीज स्ट्रक्चर इनेबल स्पॉन्जेस टू विदस्टैंड करेंट्स एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। इन्वायरमेंट में अगर कोई स्ट्रेस आ गया, फ्लड आ गया, कुछ भी ऐसा सिचुएशन आ गया, तो उसके साथ ये स्ट्रक्चर उसको खड़े रहने में मदद करता है, विदस्टैंड कर सके। या फिर तेज हवा आ गया, फ्लो, एयर फ्लो, वाटर फ्लो, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो ये हो गया किसके बारे में, स्पॉन्जिन फाइबर्स के बारे में। यहाँ देखिए, ये है आपका स्पॉन्जिला का स्ट्रक्चर, ये है यू स्पॉन्जिया, ये स्ट्रक्चर। इसमें आपको ये जो देख रहे हैं ट्राई एक्सॉन, ये ट्राई एक्सॉन है, ये टेट्रा एक्सॉन है, ये फिर ट्राई एक्सॉन है। तो ये आपको स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स दोनों साथ में है। ये भी है स्पॉन्जिन फाइबर्स, यहाँ देखिए ये मेशवर्क जो है आपका, ये स्पॉन्जिन फाइबर्स है, ये ऐसा जाला वाला जो स्ट्रक्चर है, मकड़ी का जाल जैसा होता है मेशवर्क। और ये जो कांटे जैसा खड़ा है नीडल लाइक, वो क्या है आपका स्पिक्यूल्स। एक ये डायग्राम हो गया, उसके बाद ये भी मैंने कहीं देखा तो सोचा आपको बता दूं, वही जो मैंने आपको बताया था
सिलिसियस स्पिक्यूल्स हेक्साक्टिनिलिडा का एग्जाम्पल है, यह है सिलिसियस स्पिक्यूल्स, डेस्मो स्पॉन्जिया का डायग्राम, यह है स्पॉन्जिंग और यह है कैलकेरियस। तो इकट्ठे एक डायग्राम मुझे मिला जिसमें सब कुछ था, स्पॉन्जिंग के बारे में भी और स्पिक्यूल्स के बारे में भी। ठीक है, तो टू टाइप्स सपोर्ट, डिफरेंट स्पॉन्जेस यूज, वन और बोथ, कोई एक भी यूज़ करता है स्पॉन्जिंग फाइबर भी, कोई स्पिक्यूल्स भी। तो स्पॉन्जिंग कैसा होता है, टफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन होता, फाइबर का बना होता है, और स्पिक्यूल्स हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, लाइक लाइम स्टोन, टीथ, बोन्स और हार्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये हो गया आपका रिविजन स्लाइड स्पॉन्ज स्केल्टन का। ये डायग्राम आपका किसका, स्पॉन्जिंग फाइबर्स का, ये दोनों स्पॉन्जिंग और स्पिक्यूल्स, इसमें भी दोनों हैं स्पॉन्जिंग और स्पिक्यूल्स। ये है आपका स्पॉन्जिला का डायग्राम, यू स्पॉन्जिया। ये है मदर स्लाइड आपका स्पॉन्जिंग फाइबर्स का। ये आपका डायग्राम हो गया किसका, स्पिक्यूल्स का। मॉर्फोलॉजी में मोनो एक्सॉन, ट्राई एक्सॉन, पॉली एक्सॉन, टेट्रा एक्सॉन, ये हो गया स्पिक्यूल्स का मदर स्लाइड। ये स्पिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन, ये स्पॉन्जिंग का इंट्रोडक्शन, ये अगेन स्पिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन, और ये कंप्लीट पॉलीफेरा स्केल्टन का इंट्रोडक्शन। और ये सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से चैनल है। तो आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करते हो, अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है पॉलीफेरा स्केल्टन, तो ये मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, एक फीडबैक जरूर दिया कीजिए।